दिल्ली में रविवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक होगी। इसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेंद्र राठौड़ के नामों पर पहली बार ऑफिशियल चर्चा होगी। जोशी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कन्नौट पैलेस के हनुमान मंदिर में दर्शन किए, इसके बाद गुजरात भवन में ठहरे। देर शाम धर्मेंद्र राठौड़ सीएम अशोक गहलोत के साथ दिल्ली पहुंचे। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में शनिवार को वीकेआई रोड नंबर 14 स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में बने केमिकल गोदाम में आग लग गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पशु मेले को देखने के लिए सात समुन्द्र पार से विदेशी पर्यटक 1 महीने पहले ही होटल में बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन इस बार चुनावों के कारण मेले की अवधि घटा दी गई है। इसके चलते पुष्कर के पर्यटन उद्योग को जबरदस्त झटका लगने वाला है। प्रशासन ने मेन पावर कम होने का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वही पर्यटन उद्योग से जुड़े पुष्कर के व्यवसायी पशु मेले को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ सरदार शहर मेगा हाईवे पर भीषण हादसा सामने आया। तेज स्पीड में ओवरटेक कर रहे ट्रोले ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि कार के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया और 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल है। गाड़ी में सवार परिवार जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था। कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल, तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल वेद के बेटे चंद्रशेखर वेद, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया शामिल है।